हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द टेक विशाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम में फ़ोटो से रील बनाना सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कुछ फ़ोटोज़ है और उन फोटोज से आप लोग एक रील क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि आपकी ऑडियंस के साथ में एंगेजमेंट क्रिएट हो सके और लोग आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोस को लाइक करें, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस टैग विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम में फ़ोटो से वीडियो की रील बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर आ जाना है। नीचे आप लोग देख सकते हैं कि आपको रील का आइकॉन देखने के लिए मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखते हैं कि आपको कैमरा आइकॉन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में फ़िलहाल में जो कैमरा है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी जो है हम लोग यहाँ पर गैलरी में रखे हुए फ़ोटोज़ से रील बनाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में दिख रही इस गैलरी आइकॉन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपके सामने गैलरी के फ़ोटोज़ ओपन हो जाएंगे। अब आपको वन बाय वन सीक्वेंस में उन फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है जिससे आप इंस्टाग्राम के रील्स बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला सपोज़ कर लीजिए, अगर मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट करा तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया जो कि वन पर सिलेक्ट हो चुका है। देन इसके बाद में आप जो भी फ़ोटो मुझे ऐड करना है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि सेकेंड पर अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर थर्ड पर अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और फिर फोर्थ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे इतने फ़ोटोज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद में सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली जो है आपके फोटोज़ के लिए सिंक्रोनाइजिंग ऑडियो सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते और अपने हिसाब से ऑडियो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को सर्च बटन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करिएगा और अपने हिसाब से कुछ भी जो है सॉन्ग सर्च कर लीजिएगा। वीडियो प्रोसेस होगी। अब आप लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे वीडियो की टाइमिंग हो जाए कि एडिट क्लिप्स पर क्लिक करना है, अगर आप किसी की भी टाइमिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में अगर आप लोग उसकी बैक साइड से टाइमिंग घटाना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से ऐसा कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो है वो पीछे वाली वीडियो के लिए सेट हो जाएगा, उसकी टाइमिंग कम हो जाएगी। इस तरीके से आप हर किसी के लिए पर्टिकुलरली जितना भी टाइम सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितनी टाइमिंग चाहे वो भी यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। अगर और भी फोटोज़ को ऐड करना चाहें तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप लोग एक फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो या दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पे जंप के लिए ट्रांजिशंस यानी कि इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर जो है आप लोगों को ट्रांजिशन के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको बताना है कि ट्रांजिशन आपको किस तरीके से देना है। ये देखिए जरा, ट्रांजिशन मतलब कि आपको कितने समय में जंप करना चाहिए। जैसे ही आप ट्रांजिशन जितना कम करेंगे उतना ही जो है एक फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो में जंप करने में उतना कम समय लगेगा। ये देखिए जरा, अब अगर मैं इस ट्रांजिशन टाइमिंग को बढ़ा देता हूँ तो देन इसके बाद में अगर आप लोग फोटो के ऑर्डर्स को चेंज करवाना चाहते हैं यानी कि सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं तो रीऑर्डर का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे ऐसा कर सकते हैं। जिसे भी आप चेंज करना चाहते हैं सिंपली आप यहाँ से वहाँ उसे जो है एडजस्ट कर पाएंगे। अगर साउंड सिलेक्ट नहीं करा है तो आप लोग ये, मैं यहाँ पर म्यूजिक आइकॉन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर टाइप कर देना है। अब अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली AA यानी कि टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना और लिख दीजिएगा। इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, इस तरीके से आप लोग यहाँ से उसे कर सकते हैं। कलर भी चाहें तो कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद में अगर आप इसमें कुछ इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं तो राइट साइड में ऊपर आपको इफेक्ट का आइकॉन भी मिलेगा, यहाँ से जो इफेक्ट आपको पसंद हो वो यहाँ से लगा सकते हैं। आप देख पाएंगे कि उसके बाद में जो है फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग बहुत जो है चेंज हो जाएगी। अगर आपको जो भी इफेक्ट पसंद आता है तो सिंपली उसे सिलेक्ट करने के बाद में डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद में राइट साइड में नीचे की ओर आप लोगों को जो है यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करते हैं तो इसके बाद आपको जो है वापस से क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करके कन्फर्म करना है। अब ये देखिए जरा, आपके सामने फाइनल बन करके रेडी है, फिर से नेक्स्ट करके कन्फर्म करना है और अब आप जो है यहाँ से वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करने के साथ में अगर आप यहाँ से किसी टाइप का कोई कैप्शन देना चाहें तो कैप्शन भी दे सकते हैं, साथ में हैशटैग और @ भी यूज़ करके किसी भी चैनल या किसी भी प्रोफाइल को मेंशन भी कर सकते हैं।
इसके बाद सिंपल आप लोगों को शेयर के बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी वीडियो बन करके कंप्लीट रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है बड़ी ही आसानी से इंस्टाग्राम में फोटो से वीडियो की रील बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे इस टैग विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सो ओके गाइज, दिस इज टैग विशाल यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।